हेलो मेरे दोस्तों, यार कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर आने वाला कुछ औसम अपडेट्स को लेकर। ठीक है, मतलब यार सच में ये अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। आप लोग देखते रहो एंड मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ क्या क्या अपडेट आने वाला है। मतलब नया मैप आने वाला है, नया कैरेक्टर आने वाला है, उसके साथ साथ एक नया गन वगैरह भी आने वाला है। गन वगैरह का कुछ सिस्टम आने वाला है। ठीक है, नया गन तो नहीं, नया गन वगैरह का सिस्टम आने वाला है। ठीक है, तो कैसे आप लोग स्कार का एक स्किन आने वाला है उसको ले सकते हो। तो फटाफट से यार वीडियो को एक लाइक करो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, कोई भी लाइक नहीं किया होगा क्योंकि वीडियो तो स्टार्ट हो रहा है एंड मैं बता रहा हूँ कोई क्यों लाइक करेगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बाजू वाला जो बेल बटन आएगा उसको दबाओ, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करो एंड आओ यार वीडियो को आज का शुरू करते हैं हमारा। तो सबसे पहली जो चीज़ हो गया वो चीज़ हो गया अपना नया मैप का रिगार्डिंग। ठीक है, नया मैप आने वाला है कि नहीं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सभी यूट्यूबर बता रहे थे इंक्लूडिंग मी कि OB18 के अंदर आप लोगों को नया मैप देखने के लिए मिल जाएगा, बट OB18 के अंदर कोई भी नया मैप आया नहीं। ठीक है, तो कैसे आएगा मैप, कब आएगा, वो चीज़ मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैप का फैसिलिटी हो, ये होगा कि मैप में हो सकता है वेदर चेंजिंग। ठीक है, मतलब आप लोगों का रश आवर जो मोड है वहाँ पे जो वेदर चेंजिंग होता है, बारिश होता है वगैरह वगैरह, तो वैसा ही कुछ आने वाला है हमारा न्यू मैप एंड वो आ सकता है हमारे रेगिस्तान के अंदर। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रेगिस्तान में बारिश कहाँ से आ गया, बट जी हाँ, रेगिस्तान के अंदर ही ये मैप आने वाला है शायद, जो कि हमें लगता है। एंड ये चीज़ें OB19 के अंदर आएगा, एंड ये बात पक्का है कि OB19 के अंदर ही आएगा, क्योंकि देखो हम बोलते रहते हैं भाई OB16 से बोल रहे हैं, OB17 में बोल रहे हैं, बट पक्का कॉन्फर्म हो चुका है जो फ्री फायर का थोड़ा ऑफिशियल जो है वेबसाइट वगैरह, वहाँ से हमें पता चल चुका है कि हाँ OB19 के अंदर नया मैप आने वाला है। तो वेट करो मैप को, ठीक है, मैप के लिए आप लोग वेट करो। दिखा देता हूँ कैसा कुछ थोड़ा बहुत, मतलब उसका लुक दिखा देता हूँ। ये तो ऐसा मैप नहीं आने वाला है, बट दिखा देता हूँ बस आप लोगों को कौन सा पिक्चर निकल के आ रहा है मैप। बट मैप आएगा, ये वाला आ सकता है नहीं आ सकता है मेरे को नहीं पता, बट मैप आएगा नया वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो नया रैंक, नया गन का सिस्टम मैं आप लोगों को बोल रहा था, तो ये वो भी आने वाला है, उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। नया गन का सिस्टम मतलब हमारा जो इंक्यूबेटर था, आप लोगों को पता ही होगा कुछ दिन के पहले वहाँ पे स्कार का स्किन आया था, बहुत ही अच्छा स्किन था वो चीज़। ठीक है, एंड बहुत सारे बंदों ने उसे यूज किया था, वहाँ से लिया था, एंड बहुत सारे बंदे अभी भी उस स्किन को यूज कर रहे हैं। स्कार का स्किन था वो, क्यूपिड स्कार से तो अच्छा नहीं था शायद, बट स्कार का स्किन वहाँ पे आया था। जैसे कि फार्मास का एक स्किन हो गया, आप लोगों को देखने के लिए मिला था फार्मास क्राफ्टिंग को लेकर, वैसे ही पूरा का पूरा दिख रहा था वो चीज़ें, वो स्कार का स्किन वैसे ही दिख रहा था। तो वो चीज़ आया था एंड फ्री फायर को वहाँ से बहुत सारे अच्छे सेल्स हुए थे। बट यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो अच्छे चीज़ें हुए थे गैरना का, एंड वो चीज़ इतना भी अच्छा नहीं था, मतलब गैरना उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था बट उससे मिल गया था। तो इसीलिए गैरना क्या करने वाला है, वो चीज़ दूसरे बार आने वाला है हमारा फ्री फायर के अंदर, इनक्यूबेटर के अंदर ही वो चीज़ आने वाला है और एक बार। तो उसके लिए भी आप लोग वेट करो, जिसको चाहिए, जिस जिसके पास स्किन कोई लेजेंडरी है नहीं तो वो चीज़ वो बंदा ले सकता है, बट मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जिसके पास भी इंक्यूबेटर का भाउचर होगा या फिर इंक्यूबेटर का कह लो आप लोगों का अगर ब्लूप्रिंट मिल गया या फिर रिवॉल्यूशन स्टोन मिल गया, तो आप लोग ऑब्वियसली इंक्यूबेटर में जो बंडल आया होगा उसी को ही लोगे, क्योंकि इंक्यूबेटर का जो बंडल होता है वो बहुत ही महंगा होता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है एंड बहुत ही अच्छा होता है। तो उसको छोड़कर मेरे को नहीं लगता है कोई भी बंदा इसको लेगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या ये स्कार का स्किन अगर आएगा तो आप लोग इसे लोगे या फिर छोड़ दोगे ऐसे ही, इनक्यूबेटर का मतलब जो भी बंडल है उसे लोगे या फिर स्कार का स्किन लोगे। अगर आप लोगों को कभी भी फ्री में ब्लूप्रिंट मिला या फिर फ्री में इनक्यूबेटर का भाउचर वगैरह कुछ भी मिला एंड उस पर आप लोग अगर ब्लूप्रिंट कमा पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ बात कर लेते हैं हमारा नया कैरेक्टर को लेकर। ठीक है, नया कैरेक्टर का नाम होने वाला है आलोक। ठीक है, ये तो इंडियन नाम लगता है इंडिया का ही बंदा होगा, इंडिया का ही कैरेक्टर होगा, बट जी नहीं, आप लोगों को बता दूं इंडिया का बंदा नहीं है वो ब्राज़ील का एक बंदा है। ठीक है, ब्राज़ील में एक बंदा है डीजे आलोक नाम का, तो ब्राज़ील का वो बंदा है एंड फ्री फायर के साथ उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। हर वक्त मतलब फ्री फायर का जो भी पोस्ट वगैरह होता है वहाँ पर वो डीजे आलोक के बारे में बात करते रहते हैं एंड फ्री फायर के साथ भी डीजे आलोक जो है बात करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी डीजे आलोक ही देखने के लिए मिल जाएगा फ्री फायर के अंदर। आप लोगों को लग रहा होगा उसका कैरेक्टर, उसका एबिलिटी वगैरह क्या होगा, देखो उसका एबिलिटी जो है वो होने वाला है आप लोगों का बेस्ट
वेस्ट किसके ऊपर होने वाले हैं, आपको जो लिविंग चीज हो गए, आप लोगों का पेड़ पौधे हो गए, मशरूम वगैरह हो गए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से HP रिस्टोर करता जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है गेम के अंदर। एंड बस वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है, पिक विक तो मैं आप लोगों को दिखा दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस कैरेक्टर को लोगे, एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मतलब पेड़ पौधों से एंड मशरूम से अगर वो HP या फिर EP कलेक्ट कर पाता है अपने आप ही, तो बहुत ही बड़ा फीचर है उसके अंदर। एंड ये भी सुना जा रहा है कि उस कैरेक्टर के अंदर आप लोगों को एक साथ दो स्किल देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब हर कैरेक्टर का होता है ना एक स्किल, मतलब केली का हो गया वो जोर दौड़ता है, मिगुल का हो गया वो EP बढ़ा देता है, 60-70 EP बढ़ा देता है पर किल को लेके हिसाब से। बट हमारा जो ये वाला कैरेक्टर आने वाला है DJ आलोक, वो बंदा एक साथ दो दो कैरेक्टर उसका ही खुद का होगा एंड कैरेक्टर स्लॉट तो उसका आने भी वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को अगर आप लोग पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसका बाजू वाला जो घंटी बन के आएगा उसको दबाओ, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करो। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट प्रेस शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलो, बंदों को पेलते रहो, छोड़ना मत, ठीक है, बाय।